बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रखर वक्ता गुणायतन प्रवेता समाधान शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, गुणायतन के इस परिसर में तीर्थराज सम्मेलन शिखर की ऐतिहासिक पदयात्रा की समाप्ति के पश्चात आज शंका समाधान का यह विशिष्ट सत्र प्रारंभ हो रहा है। हम सब अपनी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव से प्राप्त करें, इसके लिए हम सब गुरुदेव के चरणों में हाथ जोड़ करके नमोस्तु निवेदित करेंगे कि हे गुरुवर, हमारी शंकाओं का समाधान प्राप्त प्रदान करें। हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बंधुओं, प्रतिदिन की भांति गुणायतन परिवार नित्य प्रतिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज हमारे परिवार में कुछ नए सदस्य जुड़े हैं, मैं उन सब का परिचय आपसे करा रहा हूं। निर्माण निधि के रूप में जो परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका नाम उच्चारण कर रहा हूं। यदि वो यहां पर उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती ममता जैन धर्मपत्नी श्री शरद जैन अलीगढ़, सौ वीर श्री पाटिल शीतल पाटिल मुंबई, श्री नेमी चंद जैन श्रीमती सुशीला जैन भोपाल, श्रीमती रीना गंगवाल श्री विनीत गंगवाल जयपुर, श्री आशीष जैन दीप्ति जी अनन्या जैन आगरा, श्री नीरज जैन मुनीष विधान जी कुमारी दिव्यानी जैन दिल्ली, ये सभी निर्माण निधि के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनका साधुवाद करते हैं। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती सुमित्रा जैन धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन श्रेष्ठा जैन नोएडा उपस्थित हैं, श्री नवीन अग्रवाल जैन रीना जी अनुप्रेक्षा कनिषा नब्या अग्रवाल जैन आगरा, ये निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं, हम इनका भी साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और हमारे परिवार में एक सोने की अंगूठी गुप्तदान के रूप में आई है, गुणायतन के लिए समर्पित की है। श्री राजेंद्र कुमार संतरा देवी सेठी कोलकाता, इन्होंने एक अंगूठी, श्री आलोक नीराजना अक्षय मुक्ति सिंह टीकमगढ़, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी और कान की बाली भेंट की है। यदि हों तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम जोरदार करतल ध्वनि से इनके भावों की अनुमोदना करते हैं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें नमोस्तु निवेदित करते हुए। बंधुओं, आज बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे संगस्थ आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया जी श्री जयेश भैया जी के माता पिता श्रीमान भूषण जी श्रीमती अंजलि जैन जी वर्धा महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं और गुणायतन परिवार उनका सम्मान करना चाहता है। आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी पहाड़िया जी श्रोमणि संरक्षक गुणायतन जयपुर, श्री सुशील पहाड़िया जी जयपुर, अखिलेश सतभैया और विजय दो सुनील जी और सुशील जी पहाड़िया, आइए आइए, सम्मान करना आपको, भूषण जी इधर 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 पहले सिद्धि कलश जी, श्री नंद किशोर जी सुनील जी निशा जी पहाड़िया जयपुर, इनका कलश है वो शाश्वत सिद्धि कलश। मैं आदरणीय ब्रह्मचारी गण जो हमारे उपस्थित हैं, अभय भैया जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और कलश पहाड़िया जी श्रोमणि संरक्षक गुणायतन उनको प्रदान करें। जोरदार करतल ध्वनि से इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जैन मीना देविया सुदेश जैन टीकमगढ़ वाले इंदौर, इन्होंने सिद्धि कलश स्थापित किया था, वो भी आए और अपना कलश प्राप्त करें। प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री सुनील जी पहाड़िया श्रोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसके श्री सुनील जी निशाजी पहाड़िया पद्मश्री वीना जी काला कोलकाता, और ये आए प्रथम प्रश्न करेंगे और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विजय जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी। महाराज जी के चरणों में त्रिवेणी नमस्तु। सबसे पहले मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस ऐतिहासिक यात्रा जो हमने दो दिन में पद यात्रा के रूप में पूरी की है और शिखर जी की पूरी परिक्रमा की है, उसका
भागीदार बनने के लिए मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हम लोग हैं। और बहुत ही उत्साहित तरीके से ये यात्रा पूरी हुई और बहुत ही थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। महाराज श्री का आसानंद मिलता रहा हमको और मैं पूरा परिवार इसके लिए पूरा कृतज्ञ रहूँगा आपके लिए। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री, जैसे हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता है, वैभव भी मिल जाता है, गुडविल भी मिल जाती है, धन भी मिल जाता है, उसके बाद भी हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ बेचैनी रहती है मन में, कि कुछ कमी रह गई है ऐसा लगता है, तो उसका क्या कारण है और उसको कैसे हटाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत कुछ पा लेने के बाद भी हमें इस बात का एहसास क्यों होता है कि कुछ कमी रह गई? उसकी एक ही वजह है कि हमारे पास बहुत कुछ तो होता है पर सब कुछ नहीं होता। और जब तक सब कुछ नहीं मिलता तब तक कुछ कुछ होता रहता है, समझ गए? वही हमें बेचैन करता है। संत कहते हैं संसार में बहुत कुछ पाया जा सकता है, सब कुछ नहीं पा सकते। किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ होगा पर सब कुछ किसी के पास नहीं होगा। सब कुछ वही प्राप्त कर सकता है जो अपने पास जोड़े हुए बहुत कुछ से मुंह फेरने को तैयार हो। तो संसार है, इस संसार में ऐसा चलता ही रहेगा, उसका अंत नहीं है। जिसे सत्य का बोध हो जाता है वो बहुत कुछ पाने की लालसा से मुक्त होकर शाश्वत सत्य को प्राप्त करने के मार्ग में आरूढ़ होता है और वही अपने जीवन को वास्तविक उपलब्धियों से जोड़ पाता है। श्री विजय जी गंगवाल, निशा पूछना, दो बोलो बोलो। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, अभी आपने जैसा कहा कि शाश्वत सत्य है, तो ये शाश्वत सत्य को हम कैसे प्राप्त करें? महाराज श्री, शाश्वत सत्य को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो असत्य को अपने साथ जोड़ रखा है ना, उससे ध्यान हटाना है। शाश्वत सत्य तो शाश्वत है, वो है, पर हमें उसका पता नहीं, हम उसकी तरफ दृष्टि नहीं रखते हैं। हम जिस दिन अपने भीतर के शाश्वत सत्य को पहचान कर उसके प्रति हम समर्पित होंगे, बाकी सब चीज़ें छूट जाएगा। सत्य पाने की चीज़ नहीं है, केवल महसूस करने की चीज़ है। जिस दिन हमारे हृदय में वो अनुभूति घटेगी सब चीज़ें बदल जाएंगी। नमोस्तु महाराज। श्री विजय जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणातन गुवाहाटी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी, कविता जी, शास्त्री कक्का जी, शास्त्री परिवार कटनी। पूज्य परम पूज्य मुनि प्रमाण सार जी की चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु। ओ महाराज श्री, मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मैं परिक्रमा कर सकूँगा, और ऐसा कोई सोच के भी नहीं आया था, पर महाराज श्री आपके सानिध्य से मैं ये परिक्रमा किया और पैदल किया, तो ये मेरा कौन सा पुण्य का उदय है जो मेरे को ये परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला? अब कोई पुण्य का उदय था सो परिक्रमा कर ली, तुम तो ये पूछो कि महाराज परिक्रमा का पुण्य कितना मिला। उदय उदय को क्या करना, जिससे जीवन धन्य हो जाए उससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। निश्चित सब लोग भाग्यशाली हैं। मैं तो देखा उम्र दराज लोगों ने भी कितने उत्साह के साथ परिक्रमा की, उसमें कई माताएं भी थी और कई बुजुर्ग दादा लोग भी थे। ये आप सबके हृदय के निष्ठा का द्योतक है। निश्चित ऐसी भावना सबकी निरंतर बननी चाहिए और जीवन को उसी रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए तत्परता से जुटना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमती कविता जी, प्रमोद जी, कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे सीए श्री संकल्प रूपेश जी, अभिषेक जी, टीकमगढ़। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु।
गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं पूरे गुणायतन परिवार के उन 17,000 भक्तों की ओर से सुभाष जी सीईओ और बहन पूनम जी को बधाइयाँ देता हूँ कि इन्हें आपके द्वारा ऐसी मोक्षदायिनी पिशी मिली है कि 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना पुण्य वो संयोग लेता है और इन्होंने 8 वर्ष में गुणायतन की तपस्या करके और मोक्षदायिनी पिशी को प्राप्त किया है। ये आपकी अनुपम सोच थी कि इन 8 वर्षों में और 8 कर्म के नाश करने का संयोग कैसे जोड़ा जाए, ये आपने जोड़ के और मोक्षदायिनी पिशी उनके हाथ में दी है। उन्हें सारे परिवार गुणायतन परिवार के और सारे प्रमाण सागर भक्तों की ओर से पुनः बधाइयाँ। गुरुदेव छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। अब हर बात याद रहती है तो दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। इस समय के पड़ाव पे तो हे गुरुदेव, हम तो पूरे कंफ्यूज हैं कि क्या याद रखें और क्या भूल जाएं, आपसे दिशा निर्देश चाहेंगे। आपने पूछा है क्या याद रखें और क्या भूल जाएं, मैं कहूँगा कुछ याद रखो कुछ भूल जाओ। आचार्य गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू, कुछ स्मृतियाँ, आग उगलती तो कुछ सुधासी लगे, समझ गए। जो स्मृतियाँ आग उगलती है उसे भूल जाओ और जो सुधासी लगती है उसे याद रखो। नमोस्तु गुरु। सीए संकल्प जी रूपे से अभिषेक जी टीकमगढ़, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विमल जी, कविता जी अमर पाटन। सबसे पहले गुरुवर के चरणों में भाई जल्दी करें समय। हाँ गुरुवर, जैसे कि कोई अन्य मत का जीव हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो मैं बताता हूँ संकल्प जैन, फिर वो बोलता है कि जैन में भी आप दिगंबर हो या स्वतंबर, तो हम बोलते दिगंबर। पर कोई दिगंबर वाला ही जब हमसे हम प्रश्न करता है कि आप निश्चय से हो या व्यवहार से हो, तो गुरुवर उस टाइम ना बहुत खेद होता है मन को कि है तो जैन ही, महावीर के वंशज हैं, तो ये निश्चय व्यवहार ये सब भेद प्रभेद कहाँ से आए और क्यों आए, और कोई अगर ये पूछता है तो उसके लिए सही उत्तर क्या होना चाहिए? यार ये तो स्वाभाविक है, तुमसे कोई पूछेगा तुम कौन से गांव से आए, अपने गांव का नाम बताओगे? टीकमगढ़ बताओगे ना, फिर पूछेगा टीकमगढ़ में कौन मोहल्ला में रहते हो, बताओगे कि नहीं बताओगे? बोलो तो माइक पे बोलो। राजमहल रोड में आते, फिर पूछोगे कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्रीमान संजीव कुमार मोदी, है ना, क्या पूरा परिचय भी हो रहा है, नाम बताओगे ना, फिर पूछेगा तुम कितने भाई हो? 2 भाई। तो ये सब हो रहा है ना, अगर ऐसा सवाल तुमसे करा जाएगा तो तुमको अनिजी लगेगा क्या? बोलो, मैंने इतने सवाल किए तुम्हें बुरा लगा? नहीं। तो ऐसे ही उसने तुमसे पूछा, भैया तुम जैन हो? हाँ। दिगंबर हो कि श्वेतांबर? बता दो दिगंबर है। दिगंबर में कौन है तो बता दो हम कौन है। अरे ये तो बताओ हम किसके बेटे हैं। पर बात समझ में आई? अब सुनो, ये स्वाभाविक है, एक पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है ना उसकी उतनी शाखाएं फैलती है, फैलती कि नहीं फैलती? तो शाखाएं फैलेगी कि नहीं फैलेगी, तो कौन सा डाल कौन है ये तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, ब्रांच सब एक ही पेड़ की है, हम जैन हैं ये हमारी ब्रांचेज हैं, जो समय काल के अनुसार होती रही है उसको स्वीकारने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। चलिए बारम्बार नमो। श्री विमल जी, कविता जी अमर पाटन, नहीं है श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जी, अरविंद जी जैन राजा, गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर। ओ परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिस तरह आज हम सभी लोगों ने सम्मिश्यकर जी तीर्थराज सम्मिश्यकर जी की पहाड़ की परिक्रमा निर्विघ्नता से की है, तो हम लोग किस प्रकार से अपनी जीवन की परिक्रमा पूर्ण करें महाराज जी? समय शिखर की परिक्रमा पूरी हो गई, जीवन की परिक्रमा पूरी कैसे करें? मैं तो ये कहता हूँ
जब तक संसार की परिक्रमा पूरी न हो तब तक भगवान की परिक्रमा करते रहो तो संसार की अपने आप से मिट जाए। श्रीमती सुनीता अरविंद जी जैन राजा जबलपुर, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती कांता जी, श्री हरीश जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, और जो भी परिवारजन है वो सब आ जाएंगे। बोलो पत्थर हुए बिना पेड़ों में नए पत्ती नहीं आती। कठिनाई और संघर्ष बिना जीवन में आदमी सफल नहीं होता। कठिनाई और संघर्ष के समय अपने जीवन में संयम को कैसे बनाए रखें? कठिनाई और संघर्ष के समय अपने जीवन के संयम को कैसे बनाए? देखो, पहले तो मैं चाहूँगा इनके साहस की आप सराहना करो। इनने एक ही दिन में पूरी परिक्रमा कर ली और आज पहाड़ चढ़ के उतर आए। आज दो बंद, परसों भी की थी, बिल्कुल। हाँ, ये उत्साह है ना। देखिए, विपरीत परिस्थितियों में, कठिनाई और संघर्ष की घड़ी में अपना संतुलन कैसे बनाए, ये पूछना चाहिए। कैसी भी कठिनाई हो, कठिनाई को कठिनाई की तरह देखने की जगह उसमें किसी अवसर को देखने की कोशिश करना चाहिए। हर कठिनाई मनुष्य के लिए एक अवसर भी बन सकती है, बशर्ते हमारे अंदर उसे उस दृष्टि से देखने की क्षमता आ जाए। साधारण व्यक्ति को हर अवसर कठिन दिखता है, और जो महान आत्माएं होती हैं उन्हें हर कठिनाई में एक अवसर दिखता है। तो पहली बात, अवसर देखने की कोशिश करें, उससे उत्साह बढ़ेगा। और जब संघर्ष सामने हो तो उसे संघर्ष न मानकर उसमें अपना उत्कर्ष देखना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन में कैसा भी संघर्ष होगा हमारा हर्ष बना रहेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अगला चलिए श्रीमती कांता जी, हरी जी दृष्टि कांता जी, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर श्री महावीर जी, श्रीमती कैलाश जैन भिंडर दिल्ली। बारंबार नमोस्तु। ओ परम कार्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु। हे गुरुदेव, ये चार पांच महीने की पोती को हमने वंदना भी करवाई, परिक्रमा भी करी, इसका कौन सा पुण्य था और इसे कितना पुण्य अर्जन किया। वंदना परिक्रमा सब हो गई इसकी, बहुत अच्छा। निमिया घाट इसका नाम क्यों रखा गया? अब निमिया घाट तो उस घाट का नाम है, पहाड़ की घाट है। अभी तो कोई भी घाट को किसी रूप में रखा जा सकता है, तो वो चला आ रहा है निमिया घाट, उस गांव का नाम है। बहुत अच्छी बात है, इस बच्चे का पुण्य तो जरूर है कि इसको उसके ऐसे धार्मिक परिवार में जन्म हुआ है कि ऐसे संस्कार हो गया। आगे भी आप ऐसी भावना बनाए रखो, आशीर्वाद बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर महावीर जी जैन, श्रीमती कैलाश जी दिल्ली, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री सुशील जी पहाड़िया जयपुर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ध्यान डूंगरी जो मंदिर बन रहा है उसके सभी पदाधिकारियों ने आपको नमोस्तु बोला है, और पूरे समाज की तरफ से, और मयूर विहार दिल्ली जैन समाज की तरफ से। दो तीन संस्मरण यहाँ जो मैंने देखा है, आप पद यात्रा और परिक्रमा का सबसे बड़ा ये है। हाँ, संक्षेप हाँ, मुझे मालूम है। गुरुदेव, जो वातावरण और जितना ऑब्जर्वेशंस जो बाहरी साथियों ने किया, फसल से लेके वातावरण से लेके, और जो कोऑपरेशन गांव का मिला वो अपरंपार था। दूसरा, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से हमारा रिसीव किया वो बहुत काबिल तारीफ था। और ये पहली बार हुआ है, तीन बार मैं पहले भी परिक्रमा कर चुका हूँ, लेकिन ये अपने आप में अनोखी थी। 30 किलोमीटर चलने के बाद में वो डिफेंस का यदि चाय का तलब नहीं होता तो मैं रुकता नहीं, लेकिन एक साथ वो तलब हुआ, वो
इसको पॉजिटिव भी लूँ नेगेटिव भी लूँ। गुरुदेव, जो एक सवाल पे मैं काम कर रहा हूँ और आपसे पूछने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, क्योंकि शंकाएँ तो आपके साथ रह के निवारण होती ही रहती है, हो जाती है। पहले धर्म की राजनीति में धर्म था, तीर्थंकर का जन्म हुआ, पैदा हुए भरत, बाहुबली और बहुत सारे, और जहाँ जहाँ देवगढ़ और कहीं जाते हैं तो राजा ही के धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। और आज राजनीति में धर्म है और वो हर समय देखा जा रहा है, और उससे किस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि वो जो धर्म का हाल हो रहा है वो धर्म और उस तरफ ले जाए जो हम पहले देखते थे, आपका मार्गदर्शन। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। एक समय था जब राजनीति में धर्म था, आज धर्म में राजनीति। इस समय का परिवर्तन है। मैं तो इस बात की समीक्षा एक वाक्य में करना चाहता हूँ कि राजनीति में धर्म आने से रामायण की रचना होती है। राजनीति जब धर्म से जुड़ती है रामायण की रचना होती है, और धर्म में जब राजनीति घुसती है महाभारत मचता है। आज ये महाभारत है, ये कलयुग का प्रताप है। लोग बात रामायण की करते हैं पर काम महाभारत का करते हैं, और ये समाज में नहीं घर घर में ही। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ मुझे बरबस याद आ रही, जहाँ वो कहते हैं, जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। हम हैं युधिष्ठिर के अनुज, हम हैं दुर्योधन के अनुज, तजकर युधिष्ठिर को अहो सोचे भला, तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों ना हो। जब तक हम अपने आदर्शों का अनुकरण करने के लिए संकल्पित नहीं होंगे, तब तक जीवन में व्यापक बदलाव घटित नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम आदर्शों का अनुसरण करें, केवल अनुस्मरण नहीं, पूजा राम की और काम रावण का, ये हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं। नमोस्तु। श्री सुशील जी पहाड़िया जयपुर, इसके पश्चात तैयार रहेंगे पंडित विकर्ष जी शास्त्री। अमन है? हाँ, अमन जी और संगीतकार अमन भी आ जाएं साथ में विकर्ष जी के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव बोलो। जय जिनेंद्र शब्द जो अभिवादन के लिए काम में लिया जाता था ज़्यादातर, आज उसकी जगह ज़्यादातर नमस्कार शब्द का यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है नमस्कार शब्द। तो नमस्कार का शाब्दिक अर्थ और जय जिनेंद्र का शाब्दिक अर्थ बताते हुए आप ये खोलने की हमें समझाएं कि कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती है वो है कि हमारी बहन बेटियाँ बहु बेटियाँ सब जो है पराये पुरुषों के भी जब चरण स्पर्श करने लग जाती है और नमस्कार बोलती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जय जिनेंद्र शब्द ज़्यादा उपयुक्त लगता है। देखिए, सबसे पहले अभिवादन एक हमारा सामान्य शिष्टाचार है, और हमें किसी भी व्यक्ति से मिलते समय जो अभिवादन की परंपरा है, परिपाटी है, उसके अनुरूप अभिवादन करना चाहिए। चूँकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, तो इस धर्म प्रधान देश में हमने
अपने परमिष्टि या परमात्मा को सर्वोच्च स्थान दिया। तो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे पूज्य तो हमारे परमिष्टि ही है, इसलिए हम उनको नमन करते। लेकिन अभिवादन करते समय भी हमने एक बीच की कड़ी जोड़ी कि करो अभिवादन सामने वाले का और याद करो अपने इष्ट को। हम आप जैन परंपरा में लोग जय जिनेंद्र कहते हैं, कोई राम राम कहता है, कोई सीताराम कहता है, तो ये अलग अलग करते हैं लोग, अपनी अपनी प्रणाली के अनुसार है। तो जय जिनेंद्र जैनों की पहचान है, इसलिए आप किसी से अभिवादन में अपनी ओर से बोलो तो जय जिनेंद्र बोलो, वो जय जिनेंद्र बोलेगा, और वो पहले बोल रहा है तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है, आप उसको अपने हिसाब से, ही लोकाचार है। लेकिन अभिवादन का तरीका यही है। अब तो पश्चिमी आ गई, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, ये क्या, अरे भगवान को याद करो। रास्ता वो है ताकि आपकी संस्कृति और परंपरा को लोग जान सके। इसी प्रसंग में एक रहस्य की बात और बताता हूँ। हमारे यहाँ पहले जुहार बोला जाता था, जुहार राजस्थान में भी बोलते हैं, बुंदेलखंड में भी बोलते हैं, झारखंड में तो जोहार, झारखंड जोहार, जुहार का जोहार बन गया। मालूम है जुहार का मतलब क्या है? जुहार का मतलब क्या है किसी को पता है? अब मैं बता देता हूं, जुहार में भी भगवान का स्मरण है। मैं जुहार के तीन अर्थ आज आप लोगों को बता रहा हूं। ज ह र तीन है ना, जिनवर धम्मम गहियम हणे यद ठठ कम माई रुंधय आसव दारम जुहार मिदि जिन मदे भनियम। कि जुहारू मूल शब्द था जुहारू, जो अपभ्रष्ट होकर जुहार बन गया, कि जिनेंद्र भगवान के मत को जो ग्रहण करता है उसके आश्रव के द्वार, उसके अष्ट कर्म नष्ट हो जाते हैं। हणे दुठ्ठ कमाई, आठ कर्म नष्ट होते हैं, रुंधई आसवदारम उसके आश्रव के द्वार रुक जाते हैं। इसलिए जिन मत में एक दूसरे के अभिवादन में कि भैया जिनेंद्र भगवान के धर्म को ग्रहण करके अष्ट कर्म का नाश करो, आश्रव को रोक कर अपनी आत्मा का उद्धार करो, ठीक है। एक दूसरा अर्थ मिला, आज से 40 साल पहले लगभग हमने पढ़ा था, 40 नहीं 38 साल पहले, जब हम ब्रह्मचारी थे। जुगादौ वृषभो देवः हारकः सर्व संकटान रोधकः सर्व पापानां तस्माद् जुहार मुच्यते। युग के आदि में भगवान शब्दे सब संकटों के हारक थे और रोध कह सर्व पापा नाम सारे पापों को रोकते रोकने वाले हुए थे, इसलिए भगवान ऋषभ देव के स्मरण के लिए जुहार बोलते हैं। तीसरा अर्थ इसका और जुहार ज्यादा समझ में आ जाएगा हिंदी में। जुगल क्या? राग द्वेष, हा हानि, समझ गए? जुगल राग अरुदेश की हानि कर बुद्धिमन, जुगल राग अरुदेश की हानि कर बुद्धिमन, रुके कर्म शिव सुख मिले यह जुहार वित्तन।
जू यानी जुगल, हा यानी हानी और रू यानी रुके, जिससे राग द्वेष की हानि होने से कर्म रुके उसका नाम जुहारू है। अभिवादन में संस्कृति की झलक। हम आज जय जिनेंद्र बोलते हैं, मैं तो कहता हूं जैनों को आज के संदर्भ में जय जिनेंद्र ही बोलना चाहिए, इससे आपकी विशिष्ट पहचान होगी। यद्यपि जुहार आदि का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, पर उसका अन्यत्र भी होता है, पर जय जिनेंद्र केवल जैनों की पहचान है। इसलिए अपनी पहचान को बनाते हुए और लोगों का सम्मान करें, अभिवादन का कार्य करें। नमस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? नमस्कार बोल दिया ना कि हम नमस्कार तो हमारे इष्ट आराध्य को ही करना और किसी के बोल दिया। बहु बेटियों को जो पैर छुआने की प्रक्रिया, फिर नमस्कार से कई जगह बोल दिया ना, संकेतों में समझो, भाष्य क्यों लिखवा रहे हो। चलो पंडित विकर्ष जी शास्त्री और अमन जी बोलिए। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। करना कि भजन करना महाराज जी? बस चार पंक्तियां, वो आज जो हमने आज परिक्रमा की है उसको मैं बोलूंगा तो नहीं, केवल मैं कविता अभी लिखी है। क्या था आज का दृश्य? गुरुदेव ने कल कहा था कि कल का दिन और विशेष होने वाला है, यहां तक कि आपको पता होगा जिन लोगों ने देखा हो, पश्चिम दिशा से इंद्रधनुष आगमन आगवानी के लिए तैयार खड़ा था पूज्य गुरुदेव की हम सबकी। तब मैंने लिखने का प्रयास किया है कि गुरु प्रमाण के संग संग हम सब ने आनंद उठाया है। यदि आपको लगा होगा कि ये पंक्तियां जीवंत रूप हैं जो हमने आज अनुभव किया, वो मैंने लिख दिया है कि गुरु प्रमाण के संग संग हम सब ने आनंद उठाया है, भक्तों का सैलाब आज गुरु के चरणों में आया है और समेत शिखर की परिक्रमा का एक इतिहास रचाया है। रोम रोम पुलकित है गुरुवर, हर एक मन हर्षाया है। और आज सुबह का दृश्य कैसा था कि मंद पवन चल रही, साथ में मेघ उदक की वृष्टि करते हो रहे थे। मंद पवन चल रही, साथ में मेघ उदक की वृष्टि करते, तन मन चेतन आनंदित था, परिकम्मा को देव तरसते। तन मन चेतन आनंदित था, परिकम्मा को देव तरसते। इंद्रधनुष मानो प्रभात में गुरु के अभिनंदन को आया, इंद्रधनुष मानो प्रभात में गुरु के अभिनंदन को आया। और एक नारा चल रहा था, सब लोग बोल रहे थे कि गुरुवर हमारे साथ है, फिर डरने की क्या। तो सब पर गुरुवर की छाया थी, कोई बिल्कुल ना घबराया, और धन्य धन्य हो गए भक्त सब, देवों का भी मन ललचाया। धन्य धन्य हो गए भक्त सब, देवों का भी मन ललचाया। और शब्दों में कैसे बतलाऊं गुरुवर कि हम सबको कितना आनंद आया। और हे गुरुवर तन मन धन अर्पण, हे गुरुवर तन मन चेतन और सब, ये मेरा धन अर्पण है, हम सब भक्तों का गुरुवर चरणों में सदा समर्पण है, हम सब भक्तों का गुरुवर चरणों में सदा समर्पण है। और हमारे बीच में भाई अमन जैन जो मैहर से हैं, मेरे द्वारा एक लेखा गीत है जो आपके बीच यहाँ प्रस्तुत करेंगे भाई अमन जैन मैहर। चलो ठीक है, थोड़ा रिलैक्स भी आप लोगों को मिलेगा, चलना। हेलो, सब साथ में गाएंगे ये गीत, गुरुवर के आशीर्वाद और प्रेरणा से हमको गाने का मौका मिला है, जिसे लिखा है हमारे भैया विकर्ष भैया जी। जय जय गुणायतन, जय जय गुणायतन, जय जय गुणायतन, जय जय गुणायतन, गुरु प्रमाण सागर, गुरु प्रमाण सागर जी ने ये कैसा अद्भुत काम किया, गुरु प्रमाण सागर जी ने ये कैसा अद्भुत काम किया, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया। सब साथ में टू, जय जय गुणायतन, ये बात फिर से, जय जय गुणायतन। अब आने वाले समय में जब हमारा गुणायतन बन के तैयार हो जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि कैसे नर नारायण बनता अनुभव हम कर पाएंगे। वन टू थ्री फोर, वन
कैसे नर नारायण बनता अनुभव हम कर पाएंगे, मिथ्या तम को तज कर अपना हम सम्यक जगाएंगे। गुरु विद्या के गुरु विद्या के कोहनूर ने, गुरु विद्या के कोहनूर ने अजब अजूबा काम किया, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया। लास्ट खत्म हो रहा है तो जय 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 दिव्य सदन, जय जय गुणायतन, जय जय दिव्य सदन, जय जय गुणायतन, जय जय दिव्य सदन। जय करा गुरुदेव का, जय जय गुरु। चल, बहुत बहुत धन्यवाद। परसों एक प्रश्न हुआ था कि गुरुदेव आपकी लेखनी से तीन कृतियां हमें मिली और अगली कब मिलेगी, तो गुरुदेव चार पर अटके हैं। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अखिलेश जी सतभैया और श्री राजेश जी जैन बबलू टीकमगढ़ को कि वो आएं और अमन जी का सम्मान करें, अमन विकास दोनों, अमन और पंडित विकर शास्त्री जी दोनों का। तो हम चार बातों पे गुरुदेव अटके हैं, तो अभी तक जो तीन किताबें लिखी गई और जो कुछ भी लिखा गया वो कागज के पन्नों पर, एक और ले आइए भैया, हेलो, और हमारे बीच में श्रीमती सुमित्रा जी जैन धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जी जैन, श्रेष्ठा जैन नोएडा, यदि उपस्थित हों तो वो भी आ जाएं, श्री नवीन जैन, रीना अनुप्रेक्षा, कनिषा नव्या अग्रवाल आगरा, और संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्रीमती मीना धर्मपत्नी, निर्मल चंद जी, विपुल, राहुल जैन, बर्तन वाले सागर। आइए, हैं तो आ जाएं, शीघ्रता से आएं, जल्दी आइए। और तब तक एक प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अमन जैन और नयन जैन ललितपुर से, शीघ्रता से। अभी तो पूछा ना इन लोगों ने, एक और है, और है, चल पूछ, जल्दी 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 आइए। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राजीव जैन ललितपुर। हाँ, आ गए सागर वाले, आ गए जी गुरुदेव, बर्तन वाले एक सेकंड जी, सवाल के बाद जी, सवाल कर रहे हैं, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, कोई हमें पसंद करे तो हमारी बुराई नहीं देखता और कोई हमसे नफरत करे तो हमारी अच्छाई नहीं देखते, हम लोगों में क्या देखें जिससे हमारी ही अच्छाई बढ़े और बुराई घटे? कोई हमें पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता, हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारी अच्छाई देखें, बुराई घटे, बुराई ना करें, बुराई घटे अच्छाई बढ़े, इसका एक ही तरीका है। लोग मुझे पसंद करें या अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं सब किसी को अपना बना लूं ये तो मेरे हाथ में है। तो बस हम अपने भीतर अपनापन बढ़ाना शुरू करें, सारी अच्छाइयां अपने आप आने लगेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री निर्मल जी जो है उपस्थित हैं, मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विवेक जी जैन सिंगापुर और चले गए श्री विवेक जी जैन सिंगापुर, बुला लिए, आ जाओ विवेक जी जैन सिंगापुर। प्रश्न सम्मान, सम्मान सम्मान है, ये संस्थापक सदस्य के रूप में आज हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, जोरदार करते ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करें, इधर आइए। जी, राजीव जी जैन ललितपुर और विवेक जी मंच पर हैं, तो इसके बाद प्रश्न भी करेंगे।
सिरसोत प्रभा ललितपुर एवं अहमिन बिक्की कांसल बड़ोदरा की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो महाराज श्री, कुछ दिनों पहले तक तो अभिषेक की क्रियाओं में सफ़ेद वस्त्र और पीले वस्त्र ही देखे जाते थे, आजकल लेकिन कई रंगों के वस्त्र देखे जा रहे हैं, तो क्या महाराज जी इन वस्त्रों के में रंगों से भी कुछ हम लोगों को अभिषेक क्रिया शांति धारा में ऐसा असर पड़ता है? देखो, क्या पहले सब एक रंग के लोग थे और एक ढंग के ही लोग अभिषेक करते थे, अब कई रंग और कई ढंग के लोग अभिषेक करने लगे हैं, इसलिए कपड़ों के भी रंग बदल गए महाराज श्री। पूजन सुनो, पूरी बात तो सुनो, अब समय के अनुसार चीजें बदलते रहती हैं, अब तो पूजा विधानों में भी कपड़ों में अच्छी अच्छी वैरायटी जाने लगी है ना, और नए नए रंगों के प्रयोग होने लगे हैं। उत्तम तो यही है कि श्वेत या पीत वस्त्र रखें, पर कई लोग आजकल पिंक भी रखने लगे हैं, कई लाल भी, डार्क लाल भी। अब लोगों को पूजा विधान में जैसे वस्त्र उपलब्ध हो जाते हैं वही उनके अभिषेक पूजन की, और फिर कुछ लोगों की एक वृत्ति होती है सबसे हटके दिखने की। तो मैं एक बात कहता हूँ, रंग में मत उलझो, अतरंग अंतरंग को संभालो। महाराज जी पूजन विसर्जन के बाद नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। श्री विवेक जी जैन सिंगापुर, इसके पश्चात तैयार रहेंगी सुश्री पूर्वी जैन देवरी सागर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सिंगापुर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, परसों जब पिछी परिवर्तन था तो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और आपने बोला था कि कुछ लोग बालकनी में जाके बैठ जाएं, तो मैं भी जाके बैठ गया था उस समय, और चूंकि बंदना करके आया था ऊपर पहाड़ की, तो मैंने सोचा कि जितना देर संघ का समाधान चल रहा है मैं अपनी सामायिक पूर्ण कर लूँ, तो मैं सामायिक का नियम लेके बैठ गया था। वही चीज़ मैंने कल भी दोहराने की कोशिश की जब परिक्रमा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि जितना देर संघ का समाधान चल रहा है मैं सामायिक का नियम लेके बैठ जाता हूँ, और बाद में थक जाएगा शरीर तो नहीं बनेगी, तो उधर भी नियम लेके बैठ गया मैं। लेकिन महाराज जी 10 मिनट बाद ही जब आपने बोला कि सब लोग खड़े हो जाओ तो मैंने चूंकि संकल्प लिया था तो मैं खड़ा नहीं हुआ, वहाँ तक तो ठीक था, फिर आपने बोला कि 3 कदम सब लोग बाएं जाओ मेरे, तो वहाँ तक भी ठीक था महाराज जी, फिर आपने बोला जो जहाँ है वहाँ बैठ जाए, तो जब बैठे लोग तो उनमें से एक दादाजी मेरे पैर के ऊपर बैठ गए वो। अब चूंकि नीचे महाराज जी कंकड़ पत्थर थे, हाँ, और एक साइड में वो मलेशिया वाला अनुपम मेरे पैर पे बैठ गया, तो महाराज जी अब चूंकि संकल्प था तो मैंने सहन करने की कोशिश की, 10 मिनट से 20, 20 से 30, 33 मिनट तक महाराज जी मैं सहन करता रहा। मैंने थोड़ा इशारे से उनको हटाने की कोशिश की तो उनको लगा शायद ठंड लग रही है, तो उन्होंने और दबाया तो उसके बाद महाराज जी जब नहीं सहन हुआ तो मैंने फिर अपनी सामायिक तोड़ दी, और मैंने सोचा कि अब मैं एक बार वापस इसके बाद कर लूँगा। तो महाराज जी मेरा प्रश्न आपसे यही है, क्या हम पहली बात तो जब कोई प्रवचन या कुछ चल रहा है तो उस समय हमें अपनी सामायिक का संकल्प लेना चाहिए या नहीं, और दूसरा महाराज जी टूट जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो पहली बात तो अगर थोड़ा 2-3 मिनट और बर्दाश्त कर लेते तो तुम्हारी उसकी सामायिक हो जाती, और हालांकि एक साथ दो काम करना ठीक नहीं, प्रवचन भी सुनो और माला भी गिनो सामायिक भी कर लो। हाँ, फिर भी यदि आप प्रवचन को भी सामायिक की भांति सुनने लगो तो उसमें जो एकाग्रता और तन्मयता होगी वो असाधारण होगी, बातें सीधे हृदय में बैठेगी। आप प्रवचन सुन रहे हिलते डुलते, बीच में आजू बाजू वालों से गप भी कर ले, फिर कोई का फोन आ जाए तो उसको भी रिसीव कर ले, तो प्रवचन सुन पाओगे? तो
एकाग्र चित्त होकर प्रवचन को भी अपनी सामायिक बना लो, ठीक है। और सामायिक में चूंकि धर्म ध्यान करना है, बर्दाश्त आपने किया तो सामायिक तो थी ही, दो तीन मिनट की कसर थी, इतना सहा और सह लेते, लेकिन जितनी देर तुमने सहा निर्जरा तो खूब हुई होगी, बशर्ते सामने वालों के प्रति गुस्सा ना आ रहा। गुस्सा तो नहीं आ रहा था हमारा, बस ठीक है, गुस्सा नहीं आया तो तुम पास हो गए, समझ गया। हम अपनी बात बता रहे हैं, एक बार बिहार करके पहुँचे, लोगों ने गलत रास्ता बताया, कुदवा दिया एकदम, एक पहाड़ चढ़े उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, और उसके बाद ठंड का समय था, रुकने का स्थान जो था वो ऐसे ही था, शटर लगी हुई थी, ऊपर बड़े झरोखे थे, कड़कड़ाती ठंड, और उसमें से कुछ लोग आ गए, उनने ब्रेक आयल और लगा दिया, पूरे शरीर में ब्रेक आयल, और उनमें से कोई एक थे ज्ञानी स्वाध्याय करने में कराने वाले, वो ब्रेक आयल भैया वृत्ति के निमित्त ले आए, और कोई ने बोल दिया होगा कि महाराज लोग पैदल चले, ब्रेक आयल लगा दो पैर में तो दर्द दर्द नहीं होता, अपना तो कोई अनुभव नहीं था, हो सकता कोई महाराज को कभी किसी ने लगाया हो और महाराज को उसका अनुभव हुआ होगा, तो उनने ये आए ब्रेक आयल की शीशी, अब मना करे तो माने नहीं, अरे नहीं नहीं महाराज तो परिषद सहते ही, हम सावकों का काम है, हम लगाएंगे भैया वृत्ति करना, महाराज तो भैया वृत्ति करते हैं, हमने कृत्रिम को क्रोध दिखाते हुए आंखें भी दिखाई पर काहे को माने, महाराज तो भैया वृत्ति करते ही, महाराज तो भैया वृत्ति करते ही, अब हमने कहा भैया आप तो महाराज तो परीक्षा सहते ही हैं, महाराज तो परीक्षा सहते हैं, हमने कहा आत्म अर्पण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, अब परीक्षा ही सहो, हमने सरेंडर कर दिया, ले भैया जो तेरे को करना कर, तेरे हवा, पूरे शरीर में ब्रेक आयल फोड़ दिया, कड़कड़ाती ठंड, टेम्परेचर 6 डिग्री, तेज शीत लहर, रात भर गुल्फी जम गई। अब जब सुबह गुरुदेव को बताया कि रात में ऐसा वाकया, हम 3 साधु थे, गुरुदेव अलग बिल्डिंग में थे, हम लोग अलग बिल्डिंग में थे, 3 साधु थे और तीनों बिना चटाई वाले, अब सामने वाले ने जम के मरम्मत कर दी, और जब सुबह बताया कि रात में ऐसा ऐसा हुआ, तो गुरुदेव का पहला सवाल था, उन पर गुस्सा तो नहीं आया, बोले नहीं नहीं आया, बोले तब तुम पास हो गए, समझ गए। तो बस अगर गुस्सा नहीं आया तो सामायिक, और एक बात ध्यान रखना, रीढ़ सीधी करके बैठने का नाम सामायिक नहीं, समदा सामायम नामा, समता ही सबसे बड़ी सामायिक। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्पों में जो स्थिर, इष्टानिष्ट संयोगों में जो संकल्प विकल्प रहित होता है, समता धरता है, उसकी सदाकाल सामायिक होती है। इसलिए द्रव्य सामायिक के साथ साथ भाव सामायिक को हमेशा याद रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। सुश्री पूर्वी जैन देवरी सागर, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नीरज जैन गुणायतन दृष्टि दिल्ली। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपके सानिध्य में हम तीनों भाई बहनों ने पहली बार शंबे शिखर की परिक्रमा की, हम लोग को बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि जीवन हमें एक बार मिलता है, परंतु ये गलत है। मेरा मानना है कि हमें मौत एक बार आती है, मौत हमें एक बार आती है, जीवन तो हमें हर रोज़ मिलता है, बस हमें उसे जीना आना चाहिए। तो महाराज श्री, हम अपने जीवन को किस प्रकार जिए, मार्गदर्शन दीजिए। बस जीवन को किस तरह से जिए, एक वाक्य में उत्तर दे रहा हूँ कि इस तरीके से जीवन जिए कि मौत के क्षणों में संतोष के साथ शरीर छोड़ सके। जब मरने की स्थिति आए तो मन में ये कसक न रहे कि कुछ शेष रह गया, कुछ बच गया, कुछ खाली रह गया, ये आभास न हो, समझ गए। कल्पना करो
थोड़ी देर के लिए, अभी तुम्हारी मौत आ रही हो, मान लो हो ना भगवान करे ऐसा, लेकिन कल्पना में यदि अभी मेरी मौत हो रही हो तो मेरी स्थिति क्या है, संतुष्टि या अफसोस? अगर मेरे मन में संतुष्टि है तो समझना मैंने अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया है, और अफसोस है, तड़फ है, प्यास है, अतृप्ति है, तो समझना मेरे जीवन में कुछ कसर रह गया है। समझ गए? उस कसर से अपने आप को बचाओ। श्री नीरज जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार जी जैन लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर। मेरे धर्म विमान, मेरे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सशत वंदन अभिनंदन। महाराज श्री, एक शंका है, हम बचपन से सुनते आए हैं, जब से हो संभाला है, कि एक तो होता है कि नज़रअंदाज करो, दूसरा आता है कि सहन करो, और तीसरी बात आती है कि ऐसा सच मत बोलो किसी को जो दुख पहुँचे। महाराज साहब, एक मेरे वकील मित्र हैं, मैं उनसे बोलता था, मैंने कहा भाई आप जो है अपनी वकालत करते हैं तो झूठ पे क्यों करते हैं, सच पे क्यों नहीं कर सकते? कह रहे थे हम आपके उसका जैन धर्म का तो पालन करते हैं। मैंने कहा कैसे पालन करते हो भाई? कहने लगे ऐसा सच नहीं बोल, ऐसा सच मत बोलो जिसको किसी को हानि हो, तो हम झूठ पे वकालत करते हैं। अच्छा महाराज साहब, क्वेश्चन मेरा यह है कि हम जीवन में क्या नज़रअंदाज करें क्या नहीं करें? अगर छोटी गलती नज़रअंदाज करें तो बड़ी बन जाती है, सहन करें छोटा अन्याय बड़ा बन जाता है, और सच अगर ना बोलें तो वो किस स्थिति में सच बोलें, किस स्थिति में झूठ बोलें, किस स्थिति में नज़रअंदाज करें, या किस स्थिति में सहन करें, क्या सहन नहीं करें? बहुत अच्छा सवाल है, क्या नज़रअंदाज करें, कितना सहन करें, और कहाँ तक सच से बचे। मैं बहुत संक्षेप में उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नंबर बहुत लेट आया और पीछे भी लाइन खड़ी है, उनको भी मुझे देखना है। जिनसे मन में क्षोभ हो उसे नज़रअंदाज करो, जब तक प्रतिक्रिया अनुकूल बनी रहे तब तक सहन करो, और जब तक सपर को दुख न उठाना पड़े तब तक सच पर अडिग रहो, और ऐसा सच कभी किसी को मत बोलो जिससे किसी का अहित हो। नमस्ते बल। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर ट्रस्टी गुणायतन, उसके पास तैयार रहेंगी सुश्री मानसी जैन नरसिंहपुर। लास्ट, जल्दी पूछो। हाँ, माइक तो लो। यह प्रश्न मेरा नहीं है महाराज जी, यह मेरी छोटी बहन सविता जैन बम्बई का है। वो हमें सालों से भावना योग कर रही हैं, और अभी हमारे बहनोई का जो यहाँ के कूले की हड्डी उनने भेजा है प्रश्न। सविता यह प्रश्न किया है कि दिनेश चंद जी जैन का हिप्स रिप्लेसमेंट हुआ है, और क्या वो भविष्य में भगवान जी का अभिषेक कर सकेंगे? बिल्कुल, हिप रिप्लेसमेंट आज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर वो ठीक हो जाएंगे, खड़े हो सकेंगे, तो ज़रूर भगवान का अभिषेक कर सकेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवासी विद्यासागर।